चक्रवर्ती चौहान वंश भूषण राजा विराज महाराज अमीर देव चौहान दरबार में पधार रहे हैं। अलाउद्दीन के दूत को दरबार में उपस्थित किया जाए। हिंदुस्तान के शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी ने महाराज के नाम यह खत भेजा है। महामंत्री, हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान को पिछले कुछ सालों से आपने दिल्ली के मातहत रहने से इनकार कर दिया है और सालाना नजराना भेजना भी बंद कर दिया है। अलावा इसके हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं को अपनी ओर मिलाकर शाही सल्तनत के खिलाफ बगावत की साजिश भी की है। इत्तला दी जाती है और ताकीद की जाती है कि ताज की मातहती और सालाना नजराने का ताल्लुक फिर से कायम किया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो रणथंभौर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। बमोहर अलाउद्दीन खिलजी। राजपूत माताएं जन्म से ही अपनी संतान के कान में ये मंत्र पढ़ा करती है कि राजपूत तलवार की छाया में पैदा होता है, तलवार की छाया में बड़ा होता है और तलवार की छाया में ही मरता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। बिजली भी वैसी क्या चमकेगी जैसी कि राजपूतों की तलवारें चमकी। समुद्र में भी इतना पानी क्या होगा जितना खून अपनी आन और आजादी के लिए राजपूतों ने बहाया है। तो फिर मैं अपने बादशाह से जाकर क्या कहूँ महाराज? मेरी इल्तिजा है, जोश में होश खोकर जवाब देना अच्छा नहीं होगा। इस दबान खींच ली जाए, कान कटवा दिया जाए महाराज। रणथंभौर के दरबार में शत्रु के दूत की ये हिम्मत, इसमें भूल न शत्रु की है न शत्रु के दूत की। भूल हिंदुस्तान की है जो इतना बड़ा देश होकर भी बलवान नहीं, एक नहीं है। नहीं तो हिमालय समेत सारा हिंदुस्तान हमारे हाथ से ना निकल जाता और अलाउद्दीन खिलजी बादशाह होता और अलाउद्दीन खिलजी का दूध आज रणथंभौर के दरबार में होता। खैर, अब अलाउद्दीन को मालूम हो जाएगा कि वो लोहे की दीवार से टकराया है। इस धमकी भरे पत्र का बदला क्या समय न चुका लिया तो हमी जवान नाम नहीं। दूध, तुम अपनी सीमा से बाहर चले गए। हिंदुस्तान की सनातनी परंपरा दूत और राजदूतों को मारने की आज्ञा नहीं देती, नहीं तब तक तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए होते। महाराज, अलाउद्दीन ने हमें पत्र भेजा है, इसलिए उचित तो यह होगा कि हमें भी पत्र का जवाब पत्र ही से देना चाहिए। तुम जा सकते हैं। राजनीति में ऊंचे दर्जे की नीति का पालन होना ही चाहिए। पत्र में साफ साफ लिख देना चाहिए महाराज कि तलवार का जवाब हम तलवार से ही देंगे, जलती हुई आग में कूदने का अंजाम अच्छा ना होगा। अलाउद्दीन को चेतावनी दे दी जाए महाराज कि जो हमारी स्वतंत्रता को बुरी निगाह से देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और महाराज, अपने को सिकंदर समझने वाले अलाउद्दीन को यह भी बता दिया जाए, राजपूतों की तलवारों ने सिकंदर का भी घमंड चूर चूर कर दिया था। महाराज, शत्रु को पहली और अंतिम चेतावनी दे दी जाए कि अगर रणथंभौर पर हमला किया तो दिल्ली से भी हाथ धो बैठोगे। रणथंभौर पर हमला हो या न हो, अलाउद्दीन को दिल्ली छोड़नी ही पड़ेगी। शिवालय भले अपनी जगह से चल जाए किंतु हमीर अपने हक पर अटल रहेगा। सिकंदर, सिकंदर आजम, हमारे ख्वाबों की ताबीर,
हमारी तमन्ना, हमारी उम्मीद। आलम बना वजीर आजम, क्या बात? रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान का खत आया है आलम बना, जरूर उसके अतायत कबूल कर लिखो, बयान करो। रणथंभौर के महाराज श्री हमीरदेव चौहान की ओर से दिल्ली के बादशाह श्री अलाउद्दीन खिलजी को हमला करने वाले एक विदेशी को हम कभी अपना बादशाह नहीं मान सकते। उस रणथंभौर से मातहती का नजराना लेने का आपका सपना अधूरा ही रहेगा, जिसने हिंदुस्तान को भी आजाद करने का बीड़ा उठाया है। अलाउद्दीन तो क्या मौत की धमकी भी इस निश्चय से हमें टिका नहीं सकती। आपकी भलाई इसी में है कि दोस्ताना तरीके से हमारा देश छोड़कर चले जाए। वीर देव चौहान एकजुटी हाथी से टकराना चाहते, वजीर आजम फौजों को हमेशा तैयार रहने का हुक्म दे दिया जाए। महान सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, इतिहास की इस अमर सेनानी को प्रणाम करता हूं। प्लीज मंगोज,